हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी अप पर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना आधार कार्ड KYC अपने PF UAN अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना आधार KYC लिंक करना अपने PF UAN अकाउंट के साथ, तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना UAN PF पोर्टल पर लॉगिन किए बिना भी आप अपना आधार KYC अपने UAN PF अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं एक छोटा सा स्टेप यूज करके। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपका यदि PF कटता है या फिर PF अकाउंट है तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। और इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। तो चलिए अब मैं आपको करके लाइव दिखा देता हूं कि कैसे आप बिना PF UAN पोर्टल में लॉगिन करें आधार KYC लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए। उसको साथ साथ एक बेल आइकन आएगा कुछ इस तरह का, उसको भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल और नॉलेज बेस्ड वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके काफ़ी काम आएगी। तो इस छोटे से मैसेज के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर KYC कैसे लिंक कर सकते हैं अपने PF UAN अकाउंट के साथ बिना लॉगिन करे हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर में सर्च करना है। जैसे मैं गूगल ब्राउजर में हूँ अभी, तो इसके सर्च ऑप्शन में मैं टाइप करता हूँ EPFO, और जैसे ही EPFO को टाइप करूँगा, सर्च करूँगा, तो देखिए EPF इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जाना है, इसको ओपन करना है, एम्प्लॉई प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको EKYC पोर्टल। जब EKYC पोर्टल को जब ओपन करेंगे तो EKYC पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक UAN आधार। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके लिंक UAN आधार को ओपन करना है, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लिंक यूअर UAN विद आधार, मतलब आप अपना आधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते हैं अपने PF UAN अकाउंट के साथ बिना लॉगिन करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो UAN अकाउंट नंबर है वो डालना है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपको PF के लिए मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना UAN नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद जैसे आप UAN नंबर डालेंगे तो वो वेरीफाई कर लेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, तो इसके लिए आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। और जैसे मैं जनरेट OTP पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर देके जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने UAN और PF अकाउंट के साथ। तो जैसे ही मैं जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया, OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और आपके मोबाइल जो नंबर दिया आपने रजिस्टर करा रखा है उस पर एक OTP आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, वो 10 मिनट के लिए अवेलेबल रहता है, जैसे कि आप मोबाइल पर देख रहे हैं इस तरह का। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक जो OTP का जो पासवर्ड है वो आ गया, और यहाँ पे देखिए कन्फर्म OTP का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं वो OTP डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया और यहाँ इस बॉक्स में, और OTP डालने के बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ले लेता है जो आपका जो अकाउंट है उस पर वेरीफाई करने के बाद UAN अकाउंट के बाद। और यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है जो आप लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया, डाल देता हूँ और दिखा देता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, और उसके नीचे देखिए दो ऑप्शन और हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए, यूजिंग मोबाइल ईमेल बेस्ड OTP और यूजिंग बायोमेट्रिक। तो आपको यूजिंग मोबाइल ईमेल बेस्ड OTP सेलेक्ट करके सबमिट करना है, और जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड नंबर और UAN अकाउंट नंबर जो है नंबर है वो दिखा देगा। तो मैं सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद ये देखिए आ गया, UAN नंबर ये है और आधार नंबर ये है, तो ये दोनों लिंक हो जाएगा इस UAN के साथ। तो प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही प्रोसेस्ड फॉर वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा स्टेप और आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड नंबर लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई हर्बल पढ़ लेना,
ठीक है, तो यहाँ पे अथेंटिकेट के लिए पूछेगा, तो इस पर चेक कर देना है। और यहाँ पे प्लीज़ जनरेट ओटीपी नाउ पे आपको एसएमएस पे चेक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड लेता है और ये मैसेज आ जाएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और इस तरह का आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा जो आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। और यहाँ पे वो ओटीपी आपको डालना है। और जैसे ही ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे देखिए ओटीपी डालने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी, और जैसे ही वैलिडेट ओटीपी पे करेंगे तो ये कुछ सेकंड के लिए टाइम लेगा, 10 सेकंड। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि डियर मेंबर्स, योर आधार डिटेल्स, जो आपका आधार डिटेल्स है वो अगेंस्ट यूएन नंबर, जो आपका यूएन नंबर है, हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो इस तरह से आप बिना लॉगिन करे आपका यूएन और पीएफ पोर्टल पे लॉगिन करें आप अपना आधार केवाईसी लिंक कर सकते हैं पीएफ यूएन अकाउंट के साथ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल और नॉलेज बेस्ड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करना ना भूले कुछ क्वेश्चन है तो। थैंक यू।